अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद राही। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग सी आलू की भुजिया। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते, बहुत ही कम चीज़ें हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे 1/2 kg आलू, टमाटर और ग्रीन चिली चाहिए, और प्याज चाहिए हमें 2 अदद। और ग्रीन चिली जो मैंने ऐड की है, ये 10 से 12 जो है हरी मिर्चें हैं। इसमें आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं। अगर ये ज़्यादा कड़वी है तो ज़्यादा मत डालिएगा, कम नहीं हो सकती। ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। अच्छा, और इसमें हमने ज़ीरा ऐड करना है, नमक ऐड करना है। अगर आप चाहें तो आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 cup जो है ऑयल ऐड करेंगे, बल्कि थोड़ा सा और ज़्यादा डाल लीजिएगा। अच्छा, हमने ये लिया था 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा इसमें चला जाएगा। इसके बाद हमने इसमें ग्रीन चिली जो है वो ऐड कर देनी है। ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से हमने जो है हल्का ब्राउन करना है, प्याज को ज़्यादा नहीं ब्राउन करना। जब ये ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून नमक, ये ऐड करने के बाद ये देखिए अब जो है अनियंस का जो है कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसमें जो है आलू ऐड कर देने हैं, सारे जो हमने रखे हुए थे। आलू में जो है हमने पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसको पहले से हमने जो है पानी में रखा हुआ था भिगो के। ये आप देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है हमने इसको 2 से 3 मिनट तक जो है पकाना है इनको, ठीक है। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, इसको हमें ढक देना है 2 से 3 मिनट के लिए, इसको पकने देना है। मीडियम फ्लेम पे हमने ये रख कर दिया इसको, इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम कर देनी है आपने। ये देखें आलू जो है अभी आधे गले हैं, आधे नहीं गले, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। तो आप भी देख लीजिएगा, अगर आपके आलू बहुत बारीक कटे हुए हैं तो फिर आपने नहीं ऐड करना। वैसे तो बारीक नहीं काटते, मीडियम ही रखते, ना ही ज़्यादा बारीक आलू काटते हैं ना ही ज़्यादा मोटे काटते हैं। वो फिर हलवा सा बन जाता है अगर आप बारीक काटेंगे। अगर ज़्यादा मोटे काटेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी गलेंगे नहीं, तो इसलिए इस तरह मीडियम सा उसके अंदर होना चाहिए। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, इसको 2 से 3 मिनट बाद हम देखते हैं। तो हमने इसमें जो है टमाटर ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारे जो है आलू ना गल जाए। अब हम इसको ढाँप देंगे, इसको कवर कर देंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं ये आलू की भुजिया जो है तकरीबन रेडी है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसमें। इसको हम बस 1 से 2 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं आलू की भुजिया जो है फाइनली रेडी है, बिल्कुल ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। ये देखिए फाइनली जो है आलू की भुजिया रेडी हो गई है। ये मज़ेदार सी भुजिया आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, आप ख़ुद कहेंगे कि आपने बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी हमें बताई है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।